गांव से चले थे तो अभी इतनी तेज धूप निकली हुई थी, पसीने पसीने हो रहे थे और अब देखिए एकदम बारिश आ गई अचानक। आज बर्थडे के दिन ही स्कैम कर दिया फ्लिपकार्ट वालों ने तो। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस छोटे से ब्लॉग में। मौसम आप देख रहे हैं कितना सुहाना है और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और आखिर वो भी क्यों ना, युगों युगों से ये प्रथा चली आई है कि श्री कृष्ण ने जन्माष्टमी के दिन ही मौसम किस तरीके से ख़राब था और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस धारा पर अवतरण लिया था। वैसे मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि आज ही के दिन यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भी मेरा भी जन्म हुआ था, तो मेरा भी जन्मदिवस है आज। तो हर साल की तरह इस साल भी हम लोग मना रहे हैं। मैं फ़िलहाल गांव पे था और गांव से जा रहा हूं बलरामपुर। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। उसका रीज़न ये है कि मैंने इस बार से सोचा है कि अपने लिए कम से कम एक गिफ्ट दे लूं अपने हिसाब से, क्योंकि बाकी लोग जो देते हैं घर में मम्मी वगैरह तो वो तो ठीक है, लेकिन अपने लिए भी खुद के लिए एक गिफ्ट देना है। तो वही लेने के लिए मैं निकल चुका हूँ बलरामपुर के लिए। और रास्ते में आप देख रहे हैं कितना सुहाना मौसम हो रखा है। चल रहे हैं बलरामपुर, पहुंच के आपको दिखाते हैं कि मैंने अपने लिए क्या चीज़ गिफ्ट की है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। गाँव से चले थे तो अभी इतनी तेज धूप निकली हुई थी, पसीने पसीने हो रहे थे और अब देखिए एकदम बारिश आ गई अचानक से, मौसम पूरा बदल गया। बलरामपुर वाले अपने घर पे और ये ऑर्डर आज आया है। पापा ने पहले ही रिसीव कर लिया था, पापा गांव से आज सुबह ही आ गए थे और चूंकि जन्माष्टमी है तो शाम को हम लोग फिर आज वापस चले जाएंगे, लेकिन वो आए थे यहाँ पे तो उन्होंने रिसीव कर लिया था। तो मैं पहले सबसे पहले इसको खोलता हूँ। तो बताऊँ आपको, मैंने खोल दिया है और मैं आपको बताऊँ कि ये क्या है। जरा कैमरा पास लाइए, ये देखिए क्या है। ये है K8 माइक। ये आपको बता दूं कि ये एक ब्लूटूथ माइक है, वायरलेस माइक है। आप स्कूल में मेरे वीडियोस देखते हैं वहाँ पर मुझे, क्योंकि कैमरे से थोड़ा दूर जाना पड़ता है, कैमरा नहीं बेसिकली मेरे पास फ़ोन ही है, लेकिन उससे मुझे काफ़ी दूर जाके बच्चों को बताना पड़ता है तो आवाज़ जो है बहुत क्लियर नहीं आती है। तो इसलिए मैंने एक ये K8 माइक अपने लिए मंगाया था, गिफ्ट किया था कि मेरा काम भी होता रहे और मेरे हिसाब से मैंने गिफ्ट भी कर लिया था। तो आइए इसे खोलते हैं और इंस्टॉल करते हैं तुरंत। ये रहा माइक, इसमें 3 यूनिट मिली है। एक तो ये माइक की मेन यूनिट है आप देख रहे होंगे, और दूसरा ये टाइप सी का रिसीवर है, इसे फ़ोन में लगाने के लिए। आप फ़ोन में जो सी टाइप का होता है उसमें आप चार्जर वाले में, डेटा वाले में इंसर्ट कर सकते हैं। और तीसरी ये चीज़ पता नहीं क्या है, नहीं ये पता है ये टाइप सी से आईफोन का कनेक्टर है। मतलब अगर आपके पास मान लीजिए बाई चांस आईफोन है तो इसमें आप इसको लगा दें और उसके बाद ये आईफोन में सीधे सीधे लग जाएगा, तो उसके लिए बड़ा बढ़िया है। प्लग एंड प्ले डिवाइस है, तो देखते हैं इसको लगा के। पहले सबसे इसको लगाना पड़ेगा, उसके बाद OTG ऑन करनी पड़ेगी और बाद में इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, अपने यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ऐसे लगा लीजिए। लेकिन तो पहले फ़ोन में मैं इसको लगाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ इस माइक का यूज़ करके। यार पता नहीं क्या मामला है, ये ऑन नहीं हो रहा है। इसमें इसकी गाइडलाइन में मैंने पढ़ा यहाँ पर 3 स्टेप दिए हुए हैं। पहला तो ये इसका स्टेप 1 था, सबसे पहले वो मैंने पूरा कर लिया, उसको लगा दिया फ़ोन में रिसीवर में। और ये दूसरा वाला स्टेप में इसको ऑन करना है, ये ऑन ही नहीं हो रहा है। इसमें ये बटन दबा रहा हूँ, एक छोटी सी ये लाइट इसमें देखिए आप, इसमें यहाँ पर एक छोटा सा छेद है, आपको शायद ना दिखे उसमें फ़ोन में, ये देखिए दिख रहा है क्लियर कट आपको, ये छेद जो है इससे, इसमें लाइट है, इसमें लाइट जलनी चाहिए लेकिन ये लाइट ही नहीं जल रहा है, पता नहीं क्या मसला है इसमें। और उधर तो OTG उसमें रिसीवर में तो लाइट जल रही है लेकिन इसमें लाइट ही नहीं जल रही है, पता नहीं क्या इसमें क्या बात हो गई। पहले एक बार चार्ज पर लगा के देखता हूँ इसे।
अब आप देखो इसमें, इसको मैंने चार्जिंग पे लगा रखा है, ये लाल लाइट जल रही है और काफ़ी देर से जल रही है। मैंने इसको काफ़ी देर से लगा रखा है और ये लाल लाइट बुझ नहीं रही है। ऐसे कभी कभी बुझ जाती है, उसके बाद में थोड़ी देर बाद फिर जल जाती है। काफ़ी देर से कम आधे घंटे हो गए मैंने इसको लगाए हुए, लेकिन अभी तक ये चार्ज होगा या तो पता नहीं कौन सी लाइट जलेगी, नीली जले, ब्लू जलेगी या ऐसे ही जलती रहेगी, और ये ऐसे बार बार जल बुझ रही है। तो फिर देखते हैं, बंद करो। तो फाइनली मैंने आधे घंटे से ज़्यादा समय तक इसको चार्ज किया, लेकिन इसमें ये देखिए, अब इसको मैंने निकाल लिया, चार्जिंग मैंने इसकी पूरी कर ली है, लेकिन उसके बाद में भी इसमें लाइट नहीं जल रही है। पता नहीं क्या, ये तो फ्रॉड हो गया मेरे साथ। आज बर्थडे के दिन ही स्कैम कर दिया फ्लिपकार्ट वालों ने तो। AK8 का देखिए यूनिवर्सल माइक है, बढ़िया माइक, इसको लोगों ने बताया था कि ये ठीक ठाक माइक होता है स्टार्टिंग यूट्यूब के लिए। तो मैंने इसको ऑनलाइन मंगा लिया था, लेकिन ये फ्लिपकार्ट वालों ने तो पंगा, अजीब सा पंगा कर दिया मेरे साथ। क्या करूँगा अब, या तो आज मैं इतना खुश था, बताओ, इतनी दूर गांव से मैं चल के आया और यहाँ पे आया तो देखा मेरा ये काम ही नहीं हुआ, तब तो इसका रिप्लेसमेंट लगाना पड़ेगा, दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो फिलहाल आप लोग मुझे बताइए कि ऐसा कभी स्कैम आपके साथ भी हुआ है कि आपने ऑनलाइन मंगाया हो, तुरंत वो चीज़ काम ही नहीं कर रही है, पैसे तो अलग दिए, साथ में यहाँ पर देखिए अब मुझे टाइम से मिल ही नहीं रहा है, फिर मैं दो चार दिन हफ्ते भर ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा बिना माइक के, तो फिर ऐसे ही वीडियो आएगी ख़राब। आपके साथ कभी अगर हुआ हो तो कमेंट में बताइए, और मैं इसको फटाफट से जाके रिप्लेसमेंट लगाता हूँ इसको, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। नमस्कार।